अयोध्या वो जगह जो हर हिंदुओं के जहन में बसता है, भगवान श्री राम की भक्ति से राम नगरी कहकर भी पुकारते हैं। केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से खत्म हो रही धार्मिक स्थलों की रौनक को बढ़ाने पर काफी जोर दिया जा रहा है। यूपी का बनारस हो या फिर अयोध्या, मथुरा हो या फिर वृंदावन, इन तमाम शहरों के मंदिरों व आसपास के इलाकों का बड़े पैमाने पर कायाकल्प किया जा रहा है, जिसका दशकों से लोगों को इंतजार था। अयोध्या के राम मंदिर का मामला तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी तेज होने वाली है, लेकिन उससे पहले राम भक्तों को योगी सरकार एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान किया है। इस प्रतिमा को अयोध्या में सरयू के किनारे 100 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस प्रतिमा की ऊंचाई 251 मीटर प्रस्तावित की गई है, जो गुजरात में हाल ही में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी ऊंचाई 183 मीटर है। लखनऊ में इस मसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम की प्रतिमा की स्थापना के काम में तेजी लाने को कहा है और साथ ही उन्होंने अयोध्या के समग्र विकास की योजना तैयार करने पर भी जोर दिया है। इस योजना के तहत अयोध्या में राम की भव्य प्रतिमा के साथ साथ प्रतिमा स्थल पर भगवान राम पर आधारित डिजिटल म्यूजियम, लाइब्रेरी, इंटरनेशनल सेंटर, पार्किंग, फूड प्लाजा के साथ साथ पर्यटकों की जरूरत की मूलभूत सुविधाएं तैयार किए जाएंगे। इस पूरी योजना का मकसद टूरिज्म को बढ़ाना है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए यूपी सरकार गुजरात सरकार के साथ तकनीकी सहायता लेगी और मार्गदर्शन के लिए MOU साइन करेगी।